आइए समझते हैं पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। उस परमपिता परमात्मा की ये कथा है। तो साधु संत कह रहे हैं, परमार्थी साधु कह रहे हैं कि हे महाराज, इस संसार में कलयुग लग गया है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग के लोगों की बुद्धि अधर्म में ज्यादा लग जाएगी, धर्म में कम लगेगी। कलयुग के व्यक्ति की उम्र भी कम है, इसलिए हमें कृपा करके बता दो कलयुग के व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। ध्यान से सुनना, हम और आप कहां के, हम सतयुग में नहीं जीते, हम द्वापर युग के नहीं, हम त्रेता युग के नहीं, हम लोग कलयुग के लोग हैं। कलयुग के जीवों की उम्र जो है बहुत कम है, कहने को है 100 साल। आप जानते हो किसी को जो 100 साल जिया हो? मैं हर जगह जाता हूं, तब कहीं जाकर 2-4 लोगों के बारे में मैंने सुना कि पूरा शतक कर लिया इन्होंने, 100 कर लिया कंप्लीट, सिर्फ 2 या 4 लोग गिनती के। आप तो यहां इंदौर या इंदौर के आसपास के लोग होंगे, आपने तो मुश्किल ही देखा, और देख भी लिया हो तो एक आध, इससे ज्यादा तो नहीं। कहने को है 100 साल, जीते हैं 60-70-80-90 के नीचे नीचे। इस छोटी सी उम्र में व्यक्ति अपने परिवार को पाले, किस छोटी सी उम्र में व्यक्ति अपने कल्याण को करे या मानव जीवन के लक्ष्य को पाए। महाराज, कलयुग का व्यक्ति कल्याण कैसे कर सकेगा, ऐसा उपाय बताइए। 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं मेरे भाई बहन, एक आउटसाइड माय बॉडी, एक इनसाइड माय बॉडी। सरकार की लाइट, परमात्मा की वो लाइट हमारे तन के बाहर प्रकाश करती है, लेकिन 5 मिनट सोच कर देखना कि तुम्हारे तन के भीतर जो है अंधेरा ज्यादा है कि तन के बाहर अंधेरा ज्यादा है। कहां अंधेरा ज्यादा है, तन के बाहर के भीतर? आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा बल्ब नहीं बनाया जो भीतर जल जाए। जलाए भागवत ऐसा बल्ब है कि जो इसमें सच्ची निष्ठा के साथ श्रवण कर ले तो मन में कभी अंधेरा रह ही नहीं सकता, ऐसा प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है ये भागवत। लेकिन भागवत में फिर एक बात बता दूं, नींद तब आती है जब पाप ज्यादा हो, आलस्य तब आता है जब पाप ज्यादा हो, कथा में मन तब नहीं लगता है जब पाप ज्यादा हो। अगर पाप हो तो क्या भागवत सुनने का अधिकार नहीं? बोले है, 2 दिन फाइट करनी पड़ेगी तुझे। कैसे? बोले जब कोई हमारे घर में आके बस जाए, छीन ले, तो हमें फाइट करके छिनाना पड़ता है ना। वैसे ही पाप हमारे इस घर को अपना घर समझे बैठा हुआ है, तो हमें इसके साथ फाइट करनी होगी। और जब हम फाइट कर लेंगे 2 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद, तो वो पाप अपना ये घर छोड़कर भाग जाएगा और हमारा घर निर्मल हो जाएगा, और फिर इसमें ठाकुर जी वास करने लग जाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? इतना धीरे बोलेंगे? अरे अब तो इंदौर में बहुत काम हो गया, मॉडर्न हो गया इंदौर, अब तो और जोर से बोलो। ये बात ऐसे बोलना चाहिए। सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कलयुग के जीवों का एकमात्र कल्याण करने का रास्ता है, अल्प समय में जो अपना मोक्ष चाहते हैं भगवान के विषय में जी, भागवत कौन बोले, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो कृष्ण को जानने की जिज्ञासा जिनके मन में है, अपने आप को पहचानने की जिज्ञासा जिनके मन में है, आप कौन है, आप कहां रहते हैं, आपका नाम क्या है, ये 3 चीजों का जवाब आप एक बहुत छोटा सा देंगे। मैं इंदौर में रहता हूं, मैं फलानी कॉलोनी में रहता हूं, मेरा नाम ये है और मेरा काम ये है। लेकिन ये तो तेरे शरीर का एड्रेस है, तेरा एड्रेस क्या है? जब तेरा शरीर जल जाएगा, चिता में जला दिया जाएगा मरने के बाद में, तो तेरा एड्रेस भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। पर तू तो कभी खत्म ही नहीं होगा, जो तू बोल रहा है, जो तू देख रहा है, तू तो कभी खत्म होने वाला विषय ही नहीं है। तो जब तू खत्म ही नहीं होगा, तो अपना एड्रेस तो पहचान ले जाने से पहले।
जब तक तुम सिर्फ खाने की बात करते हो ना कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तब तक का एड्रेस इंदौर का ही है। और उससे ऊपर जब सोचोगे तो इंदौर का एड्रेस खत्म हो जाएगा और सीधे सीधे ठाकुर जी के चरणों का एड्रेस तुझे प्राप्त होगा, और वो एड्रेस है वृंदावन में, गोलोक धाम में।